जनाब उस्मान बजदार फेडरल मिनिस्टर्स प्रोविंशियल मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खातिन हजरात जब मैं पहली दफ़ा 18 साल की उम्र में बरतानिया गया तो मुझे पहली दफ़ा एक फ़लाई रियासत को देखने का मौक़ा मिला हमारा मुल्क बना था एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था और जिसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फ़लाई रियासत बनना था तो यहां तो नहीं नजर आई फलाई रियासत लेकिन जब मैं बर्तानिया गया तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी और मुझे खुद भी कई दफा दो तीन दफा हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में कोई चोटें लगी तो मैंने देखा कि इंसानियत क्या होती है कोई भी इंसान जाता था मैं तो बाहर का मुल्क का था लेकिन उसको उसकी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज होता था अगर उसके पास पैसे नहीं तो मुफ्त इलाज होता था वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और मुझे वो कभी वो चीज नहीं भूलती कि मैं हर किस्म के लोगों को वहां देखता था और डॉक्टर्स और नर्सिस कोई फर्क नहीं करती थी कि एक आदमी पैसे दे के इलाज करवा रहा है और दूसरा मुफ्त इलाज करवा रहा है कोई फर्क नहीं था इंसानों में मेरी जब वालदा बीमार हुई तो मैं उनको बतानिया लेके गया तो उनका जो डॉक्टर था उसने नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहा था और उनके जो नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल्स थे उनमें मुफ्त इलाज होता था मुफ्त जो के लोग पैसे नहीं दे सकते थे तो मैं अपनी वालदा के लिए पैसे दे के इलाज करवा रहा था और उनके साथ वाले बिस्तर पे एक औरत थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था तो मैं मुसलसल देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी उनके बीच में तो ये याद रखें मैं अपनी कौम को बार बार एक चीज समझाता हूं कि हमारे नबी को रहमतुल आलमीन कहते थे अल्लाह का हो अल्लाह ने कुरान में उनको रहमतुल आलमीन बनाया था सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे इसका इसको अगर एक कदम आगे ले जाए तो जो भी उनकी सुन्नत पे और उनके रास्ते पे चलेगा अल्लाह की रहमत उन लोगों के ऊपर आएगी तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वो मुल्क जो हमारे दीन वाले तो लोग नहीं वहां लेकिन मैंने अल्लाह की बरकत देखी उधर वहां इस तरह के हालात नहीं जो हमारे मुल्क में क्योंकि वो वो मदीना के रियासत के ज़्यादा करीब है हमारे से स्कैंडिनेविया चले जाएँ वहाँ और ज़्यादा करीब हैं बर्तानिया से भी बेहतर फलाई रियासत है लेकिन आप अपनी पचास से ऊपर मुसलमान मुल्क हैं और मुझे ज़्यादातर मौका मिला इन मुसलमान ममालिक में जाने का और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद ही वहां कोई फलाई रियासत मैंने देखी है तो मुझे उसके एक मोहम्मद अब्दू बहुत बड़ा मुसलमानों का अजीम स्कॉलर था आलिम था तो वो आज से कोई डेढ़ सौ सवा सौ साल पहले जब यूरोप गया तो उसने मिस्र वापस आके कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया और मिस्र में मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम बहुत कम है तो मैं हमेशा सोचता था कि हम कैसे पाकिस्तान में इतनी बड़ी हमारी आबादी है हम किधर से पैसा लेके आएंगे इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाने के लिए और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो तालीम वो हेल्थ पे होता है उससे तालीम और हेल्थ पे तकरीबन एक ही बराबर लेकिन हेल्थ में और भी ज्यादा पैसा खर्च हो जाए यानी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बनाओ वहां मुफ्त इलाज करो और सारी आबादी को कवर करो तो मैं सोचता था किधर से पैसा आएगा क्योंकि बरतानिया का तो जो हेल्थ बजट है सिर्फ हेल्थ के ऊपर जो सालाना बजट है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ के बजट से कई गुना ज्यादा है तो मैं सोचता था किधर से पैसा आएगा तो जब हमारी हुकूमत पख्तूनख्वा में आई हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और मैं पुख्तवा की हुकूमत को खास ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पहली दफा हेल्थ कार्ड निकाला और बड़ा डर डर के क्योंकि पता नहीं था कि क्या होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह का को कोई सोचा ही नहीं किसी ने तो हेल्थ कार्ड था सिर्फ गरीबों के लिए पुख्तनख्वा में पहले हेल्थ इंश्योरेंस निकाली उन्होंने तो जब वो कामयाब हुई तो हमने फिर यह बड़ा कदम उठाया और ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी अगर उधर उधर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है उसके पैसे देने पड़ते हैं प्रीमियम देना पड़ता है यहां तो हम अपने सारे पंजाब के और पख्तुनख्वा इन शाह बल्तिस्तान आजाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट है और जो कोलिशन गवर्नमेंट बलोचिस्तान में भी है वह हम सारे खानदानों को हेल्थ कवरेज दे रहे हैं तो ये मैं जरा बाबा आप आप आपको दूसरी चीज बताऊं कि इससे अब क्या होगा अभी हमारा मसला क्या है पाकिस्तान में पहले तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि इतने ज्यादा हॉस्पिटल बनाएं जो सारी आवाम तक हम पहुंच सके हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि वो जितनी हमारी आबादी है उसके लिए अगर हम पूरे हॉस्पिटल्स भी बना दें और फिर जो पैसा हॉस्पिटल्स को चलाना वो हम कर ही नहीं सकते पूरा हमारे पास कभी भी उतना पैसा नहीं आएगा कि हम हॉस्पिटल्स भी बनाएं हम फिर वहां दवाइयां भी दें डॉक्टर्स की भी फीस दें नर्सेस भी दें जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी तनख्वाहें दें हमारे पास पैसा उतना आ ही नहीं सकता अगले पांच साल में तो नहीं आ सकता उसके बाद इन आ भी सकता है जो पाकिस्तान में अल्लाह ने नियमते बख्शी हैं तो तब मैंने ये सोच ये जो हेल्थ कार्ड है अब ये एक कई चीजें अल्लाह की तरफ से इंसान जब कोशिश कर रहा होता है तो उसके ऊपर से मदद आती है तो इससे अब क्या होगा जो मसला सबसे बड़ा इस वक्त हमारे अक्सरियत आवाम को है कि देहातों के अंदर छोटे शहरों में वहां हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं मैंने इतनी दफा देखा है वहां डॉक्टर्स ही नहीं होते वो बेचारे वहां से दूर से लोग सारे डिविजन हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल में आते हैं और वहां इतनी ज्यादा लोग आ जाते हैं कि वहां एक एक बिस्तर पर तीन तीन लोगों को अब सुलाना पड़ता है बच्चे आप देखे छोटे बच्चों को वहां तीन तीन बच्चे एक बिस्तर पे है और कई दफा तो इंफेक्शन हुई होती है और वो एक ही बिस्तर पे है क्योंकि जगह ही नहीं है अस्पतालों में तो थोड़े से हॉस्पिटल में ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं और जो पैसा खर्च कर रही है हुकूमत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो खाली पड़े होते हैं क्योंकि वहां डॉक्टर्स ही नहीं जाते हैं तो ये जो अब हेल्थ कार्ड है ये क्या करेगा अब छोटे से छोटे भी शहर के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने जो पहले नहीं जाता था प्राइवेट सेक्टर सिर्फ बड़े शहरों में हॉस्पिटल बनाते हैं क्योंकि वो समझते हैं छोटे शहरों में पैसे ही नहीं लोगों के पास अब ये जो हेल्थ कार्ड आएगा ये पहली दफा छोटे शहरों में कस्बों में बल्कि गांव में भी प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने क्योंकि अब लोगों के पास पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड के जरिए तो इन ये एक सारे पाकिस्तान में खुद ही हेल्थ कवरेज पहुंच जाएगी दूसरा उन सरकारी हॉस्पिटल्स में जिधर डॉक्टर्स नहीं जा रहे जिधर काम नहीं हो रहा जाहिर है मरीज तो वहां नहीं जाएंगे मरीज उधर जाएंगे जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर उनको इलाज मिल रहा है तो अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रेशर पड़ जाएगा जब देखेंगे गवर्नमेंट देखेगी कि हॉस्पिटल में कोई आ ही नहीं रहा तो वो पूछेगी कि क्यों नहीं आ रहा जनाब वो डॉक्टर्स की पूछ पूछताछ होगी जो अब तक नहीं होती और ये आप देखना कि सारी पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में इंशाल्लाह एक इनकलाब आएगा और आपकी देखते देखते इंशाल्लाह आएगा मेरी आज बात याद रखना दूसरी चीज ये हम कब कर रहे हैं सारे पंजाब में और ये सुन लें फिर से कभी इस मुल्क की तारीख में कभी इतना पैसा आवाम के ऊपर किसी ने खर्च किया ही नहीं है 400 अरब रुपया पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे ये कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में पहले कि कोई इतना पैसा खर्च करेगा खास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था मुल्क से बाहर उनको क्या पता कि लोगों के ऊपर किस, किस तरह मुश्किल है खानदान के ऊपर क्या गुजरती है क्या गुजरती होगी क्योंकि मैंने तो ये शौकत में इसीलिए बुलाया था कि जब मेरी वालदा को जो जब उनकी तकलीफ देखी तो हम सारे खानदान पे क्या गुजर रही थी हमारे बहन भाइयों पे तो किसी सोचे गरीब घर में जिधर उनके पास पैसा नहीं है इलाज का वह अपने बच्चों का किसी ने इलाज करवाना हो तो मां बाप पे क्या गुजरती होगी बच्चों पे क्या गुजरती होगी जब मां बाप बीमार हो तो ये सबसे बड़ा एक चेंज है और मैं समझता हूं कि ये हमारा वो रास्ता है फलाई रियासत की तरफ लेकिन हम ये कब किया जब पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड 19 की वजह से आया सारी दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई सब सबकी नीचे चली गई लॉकडाउन की वजह से उस दौर के अंदर हम यह काम कर रहे हैं कि जब एक दुनिया के अंदर मुश्किल वक्त आया हुआ है और मैं ये भी आज कहना चाहता हूं और अपनी गवर्नमेंट को अपनी टीमों को मुबारक देना चाहता हूं कि जो अभी खसरो मुख्तार ने बात की कि इकोनॉमिक्स मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज़ का जायजा लेती है जो एक क्रेडिबल ब्लू चिप मैगजीन समझी जाती है इकोनॉमीज़ के ऊपर दुनिया की मैशत के ऊपर जो जो उनके ऊपर तबसे करती है उसके मुताबिक पिछले तीन साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप तीन पोजीशंस में तीन साल मुसलसल सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की तीन पोजीशंस में आया है मैं कई दफा अपने साफियों को भी कहता हूं कि तनकीद तो बहुत अच्छी चीज होती है तनकीद तो एक जमहूरियत की का खून होता है लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें हर जगह मैं सुनता हूं नाहल गवर्नमेंट ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है उन्होंने तो कह रही है कि नाहल हुकूमत लेकिन नाहल हु टॉप तीन पोजिशन पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई ये कैसे आ गई टॉप तीन पोजिशन पे का मतलब एक है इकोनॉमिक का नॉर्मलसी इंडेक्स कि इसके बावजूद जिस मुल्क ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी मैशत को भी बचाया तो वो जो मुल्क दुनिया में टॉप थ्री पे आ सकता है वो कितना नाहल होगा इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाहेल हो और दूसरा ब्लूमबर्ग ये भी एक इंटरनेशनल बैंक है जो सारी दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले दस साल में जो पाकिस्तान की इकॉनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है यानी पिछले दस साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है यह ब्लूमबर्ग का तजिया है फिर वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है कि जो हमारी मैशत की ग्रोथ हुई है यानी दौलत में इजाफा हुआ है वो पांच इशारिया तीन सात फीसद है तो अगर इतनी बुरी हुकूमत कर रही थी तो ये किस तरह यानी ये वो है जो नून लीग डे पांचवें साल में यहां पहुंची थी कर्जे लेके खसारे बड़े बड़े करके मुल्क को जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था हमने ये पांच इशारिया तीन सात फीसद किया सबसे कम करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करके खसारे को खत्म करके किया है इसलिए ब्लूमबर्ग कह रही है कि मुल्क सही रास्ते पर निकल गया और इसके अलावा भी दुनिया पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त सबसे जो आगे समझ रही है कि दुनिया का बहुत बड़ा मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का उसमें पाकिस्तान को लीडर माना जाता है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं क्लाइमेट चेंज में बोरिस जॉनसन बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का नाम लिया कि यह मुल्क सबसे बेहतर काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक ने एक्नोलॉज किया कि दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम है तो ये मैं वो बातें कह रहा हूं जो आप अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हैं अब तो बड़ा आसान है गूगल करें कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा तो ये दुनिया की वो मुल्क दुनिया की क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को मुतल क्या कह रही हैं? हमारे जो पिछले दो सरबरा गुजरे हैं पिछले दस साल में इनके ऊपर भी वैसे दुनिया बड़ा तबसरा करती थी इनके भी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में अखबारों में इनके नाम आते थे इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्रियां बनी थी दोनों सरबराहों के ऊपर लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया ये कितने करप्ट हैं इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। और अब तो खैर एक गिनस बुक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास चार अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि दस हजार रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी वो शरीफ शबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में चार अरब रुपया यानी चार सौ करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया जब आप इनकी तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म की नमनत दी है लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऊपर भी एक डाकू को बैठा देंगे वो फैक्ट्री भी बैंक हो जाएगी ये जो बड़े बड़े खसारे हैं ये हर उन मुल्क को आप उठा के देख लें जो गरीब मुल्क है मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि एक एक दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क देख लें जिधर गुरबत ज्यादा है हर जगह उधर इसी तरह के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे होंगे कभी भी कौम इसलिए गरीब नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी है कभी कौमे गरीब नहीं होती वसाइल की कमी से स्विट्जरलैंड है ही नहीं वहां वसाइल कोई बताए कि वो कैसे दुनिया का सबसे खुशहाल खिता है क्योंकि स्विट्जरलैंड में कानून की बालादस्ती है स्विट्जरलैंड में कोई सोचता ही वहां कोई चोरी नहीं है कोई कब्जा ग्रुप नहीं है कोई वहां उनका सरबरा की जरूरत नहीं है कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाए इदारे मजबूत हैं और यह हमारी अब स्ट्रगल है मेरे पाकिस्तानियों हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को एक कानून की बाला दस्ती के ऊपर खड़ा करना है एक फलाई रियासत बनाना है जो कि अपने कमजोर तबके के ऊपर उठाएगी और मदीना की रियासत में इन्हीं दो असूलों के ऊपर वो एक कौम खड़ी हुई थी जिसने दुनिया की इमामत की थी वही दो असूल थे कानून के ऊपर कोई नहीं था कानून की बालादस्ती थी सब कानून के नीचे थे और दूसरा दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई थी और इन असूलों पर पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस रास्ते पर निकल चुके हैं पहला हमारा ये बहुत बड़ा एक एहसास प्रोग्राम है एक कामयाब जवान प्रोग्राम है और अब ये जो हेल्थ कार्ड है ये सारा एक पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है और दूसरा जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में और शायद इसीलिए हमारे नबी सलम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौम तबाह हुई जिधर बड़े डाकू चोरी करे तो आप उसको छोड़ दें और एनआरओ दे दें और गरीब चोरी करें तो उसको जेल में डालें, जिस तरह हजरत हजरत अली रजी कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन इस तरह का जुल्म और ना इंसाफी का निजाम जिधर अमीर याशी करे चोरी करके और दूसरा बेचारा सिर्फ गरीब जेलों में जाए वो निजाम नहीं चल सकता और आज अगर आपने देखना है क्योंकि मुझे, मुझे मौका मिला है इस अपनी उम्र में सारी दुनिया तकरीबन फिरा हूं हर गरीब मुल्क के अंदर यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है वो हर गरीब मुल्क में ये काबू आती है तबाही का राज ही ये है कि ताकतवर डाकू जो मर्जी करे और कमजोर को आप जेलों में डाल दें ये है हमारी असल स्ट्रगल ये इस ये है जदोजहद और इस इसमें मैं आप सबको कह दूं कि पूरी कौम मिलकर लड़ती है इससे जब तक कौम नहीं मिलकर लड़ती कानून की बालादस्ती नहीं कायम होती मैं जो मर्जी करूं अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे आप व हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बाढ़ रहा है कन्विक्ट हुआ हुआ है झूठ बोल के बाहर भागा है। वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आके फिर से वो मैच खेले तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है अगर आप इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है उनको तो खोलो सबसे पहले उनके तो बेचारे उनके जो बीवी बच्चे होंगे आपको तो यहां अगर बेचारा एक कमाने वाला जेल में चला जाए तो पीछे क्या होता होगा तो उनको बेचारों क्यों बंद क्यों अगली पिटिशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में कि सिर्फ ताकतवर आपने छोड़ना है वो जो मर्जी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं दोनों बेटे बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज मैं लंदन जानता हूं सबसे महंगा लंदन यूरोप में सबसे महंगा शहर है लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं अरबों रुपए के घर हैं बच्चों से बच्चों को बार बार बजवा दिया है तीन दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी के बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया कहता जी मुझे तो नहीं पता मेरे बच्चों से पूछो बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है तो मेरे बावलपुर के शहरियों मैं आज बड़ी मुझे खुशी से आपके सामने ये हेल्थ कार्ड लेके आया हूँ और मैं ये भी आपको बता दूँ कि इन जो साउथ पंजाब का हमने आपसे वादा किया था ये पहली हमारी बाकियों ने भी आपसे वादा किया है लेकिन इन शाह ये हुकूमत वो आपका वादा पूरा करेगी और वो इसलिए करेगी कि मेरा ईमान है कि साउथ पंजाब के लोगों से नाइंसाफ़ी हुई है उनको शेयर नहीं मिला उनका ना नौकरियों में शेयर मिला ना जो उनका हक था कि जो उनके आबादी के तहत जो उनको शेयर मिलना चाहिए था बजट में ना वो मिला और इन ये ना इंसाफ़ी अब ख़त्म होगी हमने अभी भी चेंजेस कर दिए हैं जो अभी भी पैसा आ रहा है अब साउथ पंजाब पे ख़र्च हो रहा है वो कभी पहले नहीं हुआ और इन शाह ये जो मैं अगली बारी आपसे जब मुलाकात होगी मैं साउथ पंजाब का जो सेकटेरियट है उसकी ओपनिंग के लिए आऊंगा शुक्रिया